दोस्तों यह है बिहार, जो कि सांस्कृतिक रूप से एक प्रसिद्ध राज्य है। यह अपनी रंगीन पारंपरिक त्योहारों, प्राकृतिक नज़ारों और यहाँ के लाजवाब व्यंजनों के लिए जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार राज्य में खाए जाने वाले कुछ 5 प्रमुख व्यंजनों के बारे में। तो नंबर 5 पे है बुनिया पूड़ी। दोस्तों बुनिया पूड़ी बिहार का एक ऐसा व्यंजन है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पर ये व्यंजन बिहार के शादी समारोह में या किसी काज परोजन के भंडारे के रूप में आपको खाने को मिलेगा। इस व्यंजन में मुख्यतः 5 तरह के पकवान परोसे जाते हैं, जिनमें बुनिया पूड़ी, आलू की सब्जी, रायता और इमली की मीठी चटनी शामिल होती है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में बुनिया की जगह जलेबी को भी परोसा जाता है। तो अगर आप कभी बिहार जाएं तो इस व्यंजन को एक बार अवश्य ट्राई करें। नंबर 4, खाजा। दोस्तों खाजा बिहार की एक पारंपरिक मिठाई है जो अपने प्राचीन परंपरा के लिए पूरे बिहार में जाना जाता है। यह मिठाई बेसिकली मैदे के कई परतों से बनी होती है, जिसे बाद में चीनी की चाशनी में डालकर निकाल लिया जाता है, जिससे कि इसमें हल्की वेफरी क्रंच आती है और यह खाने में थोड़ा कुरकुरा और मीठा होता है। नंबर 3, चावल पिट्ठा। इस व्यंजन को अगर हम बिहार का मोमोज कहें तो कोई गलत नहीं होगा। इसे कच्चे चावल के आटा से बनाया जाता है और इसके अंदर मसाला आलू भरता या फिर बादाम और गुड़ की स्टफिंग की जाती है एंड फिर इसे उबलते हुए पानी में डालकर कुछ देर अच्छे से बॉईल किया जाता है और लगभग 10 मिनट पकने के बाद गर्मा गर्म चावल पिट्ठा रेडी हो जाता है। नंबर 2, मुर्गा भात। दोस्तों चिकन चावल तो आपने पूरे भारत में ही खाए होंगे, लेकिन जो टेस्ट बिहार के स्ट्रीट पर बने मुर्गा भात की है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिहार का ये व्यंजन लगभग 90% बिहारियों की पहली पसंद मानी जाती है। मुर्गा भात की एक प्लेट की कीमत अभी भी बिहार में मात्र 50 रुपये है, जिसमें 2 पीस मुर्गा और ढेर सारा चावल परोसा जाता है। नंबर 1, लिट्टी चोखा। अगर बिहार के खाने की बात की जा रही है और हम लिट्टी चोखा की बात ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कुछ यही वजह है कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है वो लिट्टी चोखा है। बैंगन से बने चोखा के साथ इसे हर बिहारी और बिहार में घूमने आया हर पर्यटक बेहद ही चाव से खाता है। वैसे वर्तमान समय में इसे दिल्ली से मुंबई तक भी खासा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और हाँ आप नीचे कमेंट्स में बताना ना भूले कि आपको इनमें से कौन सा डिश सबसे ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद।